₹5 कबाब बेचता हूँ, मेरा कस्टमर भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, मेरा दिल भी खुश है, और मुझे क्या चाहिए। माई नेम इज़ अभिषेक सेनगुप्ता एंड यू आर वॉचिंग KT's Hidden Gems. It's a new show on food, some of the more exotic kinds, more popular ones, stunningly tasty, but served from corners little known and little talked about and not so spectacular setting. And today Sajjad and I have reached the heart of Butina, that's behind me, just next to Sharjah's Rola area, in quest of a restaurant, yes you've heard that right, that serves kebabs for only 5 dirhams. Come, let's check it out. That's Al Ashiyah Cafeteria. If you came here, you wouldn't have probably thought of going inside. It's absolutely nothing spectacular about this setting. Just any other restaurant, but you'll have to go inside and try their kebabs, freshly fried, and the bread that's freshly baked. Come, let's step inside. मेरा नाम हफीज़ है, मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद उस्मान है, हम लोग कोहाट के हैं, पेशावर साइड। और हम लोगों ने जिस टाइम 96 में यहाँ काम शुरू किया था, उस टाइम यहाँ पे इतना ख़ास कुछ हुआ नहीं करता था, छोटे छोटे मतलब विले हुआ करते थे। यहाँ पर हमारी दुकान थी, तो यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर आते थे, तो वो मुख्तलिफ़ जगह से आते थे, जैसे अबू धाबी से, दुबई से, रस अल खैमा से, फुजीरह से, उधर से लोग आते थे। जब यहाँ पर कस्टमर उतारना या पिक करना वो करते थे, तो हमारे पास कबाब खाते थे, तो वो उनको पसंद आता था, तो जिसकी वजह से फिर वो और लोगों को बताते थे, और लोगों को बताते थे, तो इस तरह हमारा नाम भी फेमस हो गया और अल्लाह के करम से हमारा काम भी बढ़ गया इसमें। मेरे वाले साहब ने जब काम शुरू किया ना, तो वो ये चाहते थे कि लोगों को, हर गरीब आदमी, हर आदमी खाना खा सके, भूखा ना सोए। तो वो उनका एक डिमांड थी कि यार जितनी भी चीज़ महंगी हो जाती थी, वो कबाब का प्राइस नहीं बढ़ाते थे। कीमे की प्राइस बढ़ जाती थी, प्याज की प्राइस बढ़ जाती थी, तो वो प्राइस नहीं बढ़ाते थे। 96 में जब हमने काम शुरू किया, तो उस टाइम एक कबाब 3 दरम का था। फिर 10 साल के बाद हमने इसकी प्राइस 1 दरम और बढ़ा दी, 2007 में हो गया 4 दरम का। फिर अभी 2017 में हमने इसकी 1 दरम और प्राइस बढ़ा दी है, अभी हो गया 5 दरम का। It's very easy to snicker at the price, 5 dirhams for a kebab, but you will know it once you sink your teeth into one of these freshly fried patties. I've got 3 types in front of me. One is with eggs, one is with a lot of spice in it, and you can tell it from the color, and one are the plain ones. We'll try it out today and let you know how each of these taste. तो इसी चीज़ की वजह से जो हमारे कस्टमर जो आए, तो उसको साफ़ चीज़ मिले, और बिल्कुल इस तरह जिस तरह वो अपने घर में, उनको बिल्कुल तसल्ली होती है कि उनको अच्छी चीज़ मिल रही है, साफ़ चीज़ मिल रही है। तो ये कढ़ाई भी सामने रखी है, और जो चीज़ बनती है सामने बनती है, और कस्टमर इसी वजह से जो है उसको चीज़ पसंद आती है, और वो नेक्स्ट टाइम भी हमारे लिए आता है। Came to know about the shop. This is one of the oldest shop that sells beautiful kebabs, and the prices are very competitive when compared to them. Taste also is excellent and marvelous. So today I thought of having my lunch here. So I just came here to have the lunch here. कस्टमर हमारे पास आते हैं, जब वो कबाब खाते हैं तो उनको पसंद आता है, वो खुद भी साथ लेकर जाते हैं। तो ऐसे कस्टमर भी हैं जो अपने साथ लंदन, कनाडा और इंडिया भी जाते हैं। पास टाइम बच्चे उनको फ़ोन करते हैं कि यार हमारे लिए यहाँ से भिजवा दें, उनके फादर या उनकी फैमिली कोई मेंबर यहाँ पर होते हैं, तो वो कहते हैं हमारे लिए भिजवा दें यहाँ से, तो वो यहाँ से पैक करके भिजवा देते हैं उनके लिए। अगर आप इसको कबाब के अंदर टमाटर ना डालें, तो आप इसको फ्रीज़ कर लें, तो फ्रीज़ करने के बाद इसको तकरीबन 3 दिन 4 दिन आराम से आप इसको जो है ना ट्रैवल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा नाम सईद इकबाल है और मैं इधर पेशावरी कबाब खाने के लिए आया हूँ, तो ये तीसरा टाइम है मेरा, तो इस इसलिए हमें काफ़ी अच्छा लगा इधर आके। तो अभी मेरे और फ्रेंड वगैरह भी हैं, उनको भी कॉल किए, वो भी आ रहे हैं। हम लोग जो मसाले इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, इसमें पाकिस्तानी मसाले भी होते हैं और इंडिया के मसाले भी होते हैं। इसमें रेड चिली जो है वो इंडिया की तरह इस्तेमाल होती है और बाकी जीरा, पुदीना और ये अपना धनिया जो है ये सब पाकिस्तान के इस्तेमाल होते हैं। तकरीबन पेशावरी कबाब तो इसलिए से कहा जाता है कि मतलब वहाँ पर लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं और वहाँ के कबाब ज़रा फेमस भी हैं। जो लोग भी हैं मिसाल के तौर पर अगर आपको कबाब बोलेंगे तो वो बोलेगा चपली कबाब, पेशावरी कबाब। चपली कबाब का ये मतलब है कि इसको चपटा करना, फ्लैट करना, इसलिए इसको चपली कबाब कहते हैं। और दूसरी बात ये है कि लोगों के हेल्थ जो है ना उसका भी ख्याल करना पड़ता है कि यार के आपने ऑयल चेंज करना है। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह दिन में 2 दफ़ा ऑयल चेंज करते हैं और अभी इन दोनों में ज़रा कस्टमर ज़रा कोविड-19 की वजह से कस्टमर लो हैं, तो दिन में 1 दफ़ा चेंज होता है। वेरी गुड टेस्ट, फर्स्ट टाइम आई केम हियर, अगेन आई विल कम बैक। 96 में हम बुटीना में 96 है, ठीक है, ये शहर के साइड में बुटीना, यहाँ पर तहसील भी है। ये तहसील से पहले उस साइड पर हमारी दुकान हुआ करती थी, तो कुछ साल हमने वहाँ पर 8 साल वहाँ पर गुजारे, फिर दूसरी साइड पर आ गए, दूसरी गली में आ गए, तो वहाँ पर भी हमारे 5 साल 6 साल हो गए। अभी इस बिल्डिंग में हमारे 10 साल पूरे हो गए। अक्सर लोग पूछते हैं यार 5 रुपये का कबाब आप कितने कैसे बेचते हैं, आप कैसे अफोर्ड करते हैं। मतलब अल्लाह का शुक्र है 5 रुपये में कबाब बेचते हैं, हम भी खुश हैं और कस्टमर भी हमारा खुश है। Right, so I've just had my fill for, would you believe it, 15 dirhams. Sajjad and I, we finished up 3 kebabs for just 15 dirhams. It doesn't hurt your pocket. And it is an experience that you should have at least once if you're coming to this side of town. Remember, this is near Butina in Rola, and the name is Al Ashiyah Cafeteria, one of the finest chapli kebabs or the flat kebabs from Afghanistan or Peshawar. You should give it a try. We'll see you again in the next episode of KT's Hidden Gems.